दोस्तों नमस्कार, मैं रोहितार्ष गुप्ता, आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। पीएम योजना की उड़ाई धज्जियां, वार्ड मेंबर की बड़ी लापरवाही। मामला है फरीदपुर तहसील का। बताते चले, फरीदपुर नगरपालिका परिषद में वार्ड नंबर 12 के वार्ड मेंबर की एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बड़ी धांधले सामने आई है। बताते चले, वार्ड में 6 आवासों का पैसा उन लोगों को स्वीकृत करा दिया है जिनके पास पहले से पक्के मकान बने हुए हैं। और बाढ़ में ऐसे कई परिवार हैं जो टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे परिवारों को सभासद ने नजरअंदाज कर दिया है। जहां एक तरफ शासन गरीब परिवारों को हर संभव मदद देने को तैयार है, मगर ऐसे लोगों की वजह से योजना का लाभ पात्रों को नहीं मिल पाता है। इसलिए उक्त मामले की जाँच करवा कर दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या मामला है, क्या समस्या आपकी? जगह तो अपनी है मगर बनी नहीं है, तीन ऊन पर ही है। इसके लिए आवेदन किया नगर पालिका आपने? ना, फार्म डाले जब उतना फार्म हुआ, अमीन करने जमा करा। किसके अमीन कौन है? मेंबर। क्या हुआ उसका? पैसे से लिए थे क्या? ना, कितने कितने साल हो गए फार्म दिए हुए? साल हो चुके, कुछ नहीं हुआ अभी है। ना, जिसमें क्या है, हमारी लड़की है 5 और हमारा क्यों ना आ रहा कमरा? किराए पर आ रहे? किराए पर आ रही है, अपना मकान है, किराए पर आ रहा है। कितने साल हो गए? 11 साल 12। अच्छा, कहीं मकान के लिए आपने आवेदन किया? क्या हुआ फिर? आई ना। किससे करवाया, किसे फॉर्म दिया था? आमीन को दिया, मोमिन ने दिया नगर पालिका में द्वारा। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है? तुम्हारी क्या समस्या है? समस्या लौंडा, हमने फॉर्म भरवाया। कमाने वाला कोई है आपका? हाँ, घर वाले? घर वाले भी नहीं। मकान कैसा, अपना है क्या? अपने तो है लेकिन बननी पड़ी, टूटा फूटा है। ये वाला सामने वाला। आवेदन किया था? हाँ। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? नाजर। कौन से मोहल्ले में रहते हो? फर्रेपुर में। वार्ड नंबर क्या लगता है आपका? 22। 22? 21। अच्छा, यहाँ तुम्हारा अपना मकान है क्या? नहीं, किराए पर। कितने साल हो रहते हुए? हमें कम से कम हो गए 11-12 साल। जगह तुम्हारी पड़ी है अपनी? जगह हमने जैसे मजूरी में ले ली थोड़ी बहुत, वो भी 1000 रुपया रह गया दिन को। अच्छा, क्या उसके लिए कोई आपने सरकारी योजना? हाँ बिल्कुल, हमने जाने कितने फार्म डाले, कहाँ डाले थे? मेंबर साहब के कहना अमीन के डाले थे, मोहम्मद नबी के डाले थे, नगर पालिका में डाले थे, लेकिन भाई साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या कोई सुनवाई ना हमारी? कोई बता रहे 1000 रुपया दो, कोई बता रहे 2000 दो। तो भाई साहब हमारे पास पैसे मजदूर आ रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। तो यही अमीन भाई भी मांग रहे थे, मेंबर लोग, मेंबर साहब भी। वार्ड नंबर 21 के? हां। क्या नाम उनका? पैसे मांग रहे हैं। तो यही अमीन भाई भी मांग रहे थे, मेंबर लोग, मेंबर साहब भी। वार्ड नंबर 21 के? हां। क्या नाम उनका? अमीन, मोहम्मद नबी। अमीन दोनों ही मेंबर हैं, दोनों मांगे पैसे। अच्छा, बताएं क्या समस्या है आपके वार्ड में? हमारी जगह पड़ी है साहब, और हमने 2 फार्म डाले मेंबर साहब के पास। मेंबर साहब ने पैसे मांगे, हमने हम पैसे है नहीं साहब, तो कहा ठीक है हम तुम्हारा फार्म डाल देंगे, बाद में दे देना पैसे। तो जिनके मकान 6 बने हुए, 4 मकान बने, उनका सबका आ गया, लेकिन हमारा नहीं आया साहब। अच्छा अच्छा, और हमारे 4 लड़के हैं और हम काम करते नहीं, कुछ भी है। आप लोगों ने कोई शिकायत की है इस संबंध में? हमने कहा था साहब हमारे को नहीं आया, तो जो कहीं देख लेंगे आपका। नहीं, इसकी लिखित शिकायत कहीं आपने की है? ना, हमने कहीं नहीं शिकायत करने का मतलब प्लान है आपका? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ने प्लान है, हमारा आया नहीं, हम हमारी जगह शिकायत लिखित शिकायत करेंगे अधिकारियों को। जी हमें इतनी आती भी नहीं, किससे शिकायत करी जाएगी, किससे नहीं करी जाएगी। जहाँ शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।